प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहन भाई अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ ठीक ठाक होंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सभी बहन भाई को खुश रखे, आबाद रखे और आप सदा से मुस्कुराते रहें। इस दुआ के साथ अपनी आज की वीडियो करते हैं शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल आवाज़ भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो कभी सब्सक्राइब कर लें। अगर काइंडली से हमारे भी चैनल जल्दी को से सब्सक्राइब भी किया तो साथ में घंटी बटन जरूर प्रेस करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिलता रहेगा। फिर सारी आई जो सारे अच्छी लगी, इसमें लाइक और शेयर करिए। होते अपनी आई वीडियो करते हैं शुरू। कई सारी वीडियो कुछ इस तरह के रात का टाइम हो चुका, दिन दी कम कर सारे निकाले हैं, तो हम फिर सपोर्ट काम का शुरू होवेंगे। रात हो गई है, नाले तो कुछ समान सेटिंग करने हैं, आज तो कहते वो करिए। मैं चलो आज तो नहीं, हूँ रात होगी सुबह करा। तो उस तो बाद हूँ अज विकी बिस्तराड़ा से वैफ ने, तो भाभी ने धो लिया से, तो हूँ रात क्योंकि 4 पैं बाहर नहीं निकलियाँ क्या तैयार कर दीजिए बाहर सौंते हैं बरांडे। मैं और भाई उन्हें मैं रूम सौंते, फिर अस भी अपने रूम सौंदा है जे बैठ जुए थे भी। तो रात में गर्मी लगती है, पंखा बिल्कुल मठा जिस टाइम किया, इसलिए कि वीडियो फेस का बहुत शोर हो जाना से। तो हूँ असी एसी कंबल जड़े आ वो मैं निकाल के ले आई, तो असं इस चो असी जोड़े से असी कमलों निकाल के ले आए हैं। सो हूँ मैं बस कंसीडर करा। वैसे भी काफ़ी मौसम चेंज हो गया है सुबह परसों से, तो असं भी सुबह ही अल्लाह करके समान सारे चेंज करनी है, तो फिर 4 पैं बाहर बरांडे डाल के सोए करा। वैसे अगर बाहर सहज सोइए तो फिर तेल बहुत ज़्यादा पैंती है, तो फिर बिस्तरे जो खराब हो जाते हैं, तो नाले वैसे भी मौसम की तब्दीली है, नस्ल कम बुखार का बड़ा भारा है, तो इसलिए हजे कमरे चाहते हूँ समान सैटिंग करके, तो नाले कूलर वो जगह बना के वो भी लगावे। सो हूँ कमर मैश निकाल के लिए आई है, सो इन्हें सैटिंग करते हैं। असी दोबारा सैटिंग चेंज करनी है, दूसरे रूम समान पे आया उस रूम शिफ्ट करना है, जी हैगी है रिसेप्शन मारी, इतने पेटियां आ जाएंगी इस त्यौहार के नाल, सेब भी बाहर निकालनी पैगी, तो फिर बेटा इधर आ जाएगा पेटियाँ, और सह भी हो सकता है कि नाल ही आ जाए ड्रेसिंग वगैरह बेड भी इस रूम से रहेगा। तो दूसरे रूम 4 पैं रखा, नाल कूलर रखा, तो फ्रिज उधर रह जाएगी, तो वाशिंग मशीन और स्पिनर शायद तो उधर प्यार है। जड़ी चीज़ें इस रूम से आई इधर पूरी कर लेनिया है, तो कुछ चीज़ा उस रूम च रखा। तो डाइनिंग टेबल जो बरांडे पे है वह भी इस जगह सेंटर से आ जाएगा जिते वह समान पे है। मैं भी क्यों चुप चुप हुई हाँ, तो कर लो सैट, से अपनी वीडियो सैट कर लो, मैं अपनी बना ला। तो मक्खियाँ भी पीलियाँ मक्खियाँ भी साढ़े रूम चल, मेरे दिने कितने काम से, मैं काम कार लगा रहा जरूर, इतनी सौंडी इतनी वो आ गई है मक्खी, तो उन्हें स्प्रे कर चला गया से, फिर झाड़ बाबा लग गया लैमडा, तो मैं इन्वेक्टर ला के करता रहा हूँ, तो लैमडा जिसम तेरी साड़ कर दिया। सदके जावा लो बे, इतने मैं बस तेरे मूड ऑफ होया एवं ही है, अपने काम कार कर लो, सो मैं अपनी वीडियो खुद बना लेना है। मैं सारी उम्र कल नहीं बनाई ऐसी कमल सीधे पुधरे करने, मैं चो कड़ा लेना, मैं पहला देख लवा ऐसी कमल खोलो, मैं देखा मैं कड़ा लेना। चलो मैं ले लेना, दूसरा तुसी ले लिया, दूसरा मैं ले लांगी। नहीं जी,
सदके जावे तेरे सदके जावा। हाँ जी साढ़े हाँ जब्स जी माशाल्लाह सारे बेस्ट है, सारे एक दूसरे तो वधिया ते वधिया है। नहीं जी कर गाले और क्यों नहीं खत्म। अच्छा जी जो देख रहे हो रे बहन भाई वो बताइएगा कि मैं मतलब मेरी पंजाबी अच्छी है या आवाज की। मैं तो जरा इसी वजह से मैं पंजाबी में वो लोग नहीं बनाती, उर्दू में मैं वो लोग बनाती हूँ क्योंकि मेरी पंजाबी का ये मजाक उड़ाती हैं। क्योंकि हमारी जो जुबान है हम जैसे बोलते हैं, हम मैं वैसे जैसे मैं पीछे अपने अम्मी अबू से बात करती थी जैसे हम पीछे बोलते थे वैसे हम ये कह रहे हैं कि अपनी जो है ना जुबान वो बदलें, अपनी पंजाबी बदलें। मैं कदों कह मैं तो ये कह रही तुम हम कहने खरबूजे ने खखड़ियाँ, खरबूजे ने खखड़ियाँ कौन कहता है ना। चुप चुप नहीं भाई, खरबूजा खरबूजा आता है, खरबूजे ने वह खखड़ी बोल दी है। हम खरबूजा खखड़ी किस तरह से बोलिए, खरबूजे ने खखड़ी नहीं कहते, खरबूजा खरबूजा ही होंगे, खरबूजा खखड़ी नहीं होती। यो नहीं जी, तुम आप ही कह रहे साढ़े लफज ठीक है, थोड़े उल्टे तुम पुठे है। तुम अगर आखी सी ना, नहीं भाई हूँ एक मिनट मेरे देखने में बहन भाई आप ने साफ कहना ते दसन कि तुसी भी खरबूजे नु खखड़ी बोलते हो। अच्छा तो खरबूजे ने खरबूजा आखते हो, तुसी खखड़ी आखने तो मैंने अजीब ही लगना है। जिस जिस दिन मैं पहले दिन लेके आज तो तकरीबन 10-12 दिन 15 दिन पहला खरबूजा बाजार जाए मेरे अबू जी ने बुखार से, अबू जी ने बस लेके आया सी। उस दिन मैं कहती मैं लिया तू खखड़ी लै, मैं अजीब देखा मैं खखड़िया मैं कितने लै गया, ये तो खरबूजे है सेब खखड़िया कितने है। बाद अखीर तो मैं पूछा पोकड़ भी लाऊ दी है, कहती यार इन खखड़िया आखते तुसी सी। होए तो होए क्यों आखते थे असी होए होए कदी उसने आखिया सच्चे मुच्चे तू। अच्छा भी ठीक है शर्त लाओ मेरे ना तो फिर मेरा बोलेगी ना बिया भाई फियाज बोलन दे तो मैं नोट करके तो दसा मैं तेन दसा भी तुसी वेख लो ते वेख किसी लो लफ्ज तुसी में आ जाता होएगा होए होए ते होर होए होर होए तो होर होर तुसी इंच आखते हो किसी वो भी किसी गल छोए करना। ते दूसरा गल मेरे नहीं है पता तुसी वीडियो फिर वीडियो देख क्यों आ दिता मैं वीडियो तो बनवानी कच्ची नहीं भी अलावा बच्चे की गल आ गई, खरबूजे ने खखड़ी नहीं बोली जाना, खरबूजे ने सिर्फ खरबूजा बोलिया जाता तो है। मैं नहीं बोलती ते बस उस वो तो लोग बाद मैं तो वो लो लोग नहीं बनाना बस जी तुसी हाँ, जो है वीडियो देख ली एंजी बोल देते हैं। तो तुसी खरबूजे ने खखड़ी कहंदे केड़े जिले च, केड़े जिले च खरबूजे ने खखड़ी बोलदे है मैनू ये समझ नहीं आती हैगी। असी यहाँ पिछों बुझनी दादे बुझनी हिंदुस्तान चो है सी, ते मैंने नहीं पता मैं जिस तरह तो बोल उस तो दिता बाद मैं उस तरह फैसलाबाद है, बोलता। फैसलाबाद इत्थे अच्छा आ जी गए, देखिए ते यार मेरा पिछों भाई ना होशियार वो मुझे जलंधरपुर पता हाँ है उधर ते क्योंकि बुझनी ऐसे सी। जब मैं घर में बोलती हूँ ना तो कोई लफ्ज़ जो है कुछ लफ्ज़ मैं अपनी जुबान में मतलब जैसे मैं पीछे बोलती थी मैं वैसे बोलती हूँ लेकिन ये कहते हैं कि अपनी जुबान बदलने इसी वजह से जो है ना मैं नहीं पंजाबी भाई में व्लॉग ये नहीं मैं मेरी बात तो नहीं सुने देखने बेन इसी भाई वजह से मैं जो है ना पंजाबी में व्लॉग नहीं बनाती मैं उर्दू में बनाती हूँ क्योंकि कोई भी कंफ्यूज ना हो कि मैं भी इसने क्या बोला है कि ऐसे क्यों बोला ये वर्ड जो है ना ये ऐसा लफ्ज क्यों नहीं बोला बस सो इसी सानू वजह से मैं नहीं बोलती नहीं पंजाबी। एक गल मैं क्लियर कर रहा, सो सानू उन्हें कोई मसला नहीं हैगा, हर किसी की अपनी अपनी जुबान होंगी, हर किसी अपने जिले के हिसाब ना गल्लां बातें होंगे। लेकिन जेडिया कुछ थोड़ी गलत ज्यादा अजीब है, जिस तरह खरबूजे खखड़ी बोलते हो, अज तक मैं जिंदगी पहली दफा सुनिया। मेरा तकरीबन इतनी उम्र हो गई है अच्छा ते तुसी चौबीस साल टॉपिक जो है इस पच्चीस साल, टॉपिक नो ते खरबूजे ने खखड़ी मैं अज तक नहीं सुनिया हैगा। दुआने तुसी कहने दुआने दुआना कहते जी या तरबूज कहने, नहीं मैंने नहीं पता मैंने कुछ तुसी नहीं दुआने की बोला आखते हैं। मैं कुछ बोले बस और लो जी हाथ नहीं हो गया एक, मैं कहता सिर्फ अपने गला शेयर करी तक नहीं कुछ बोलना नहीं हैगा। जो मैं अच्छा गला शेयर कर दी फिर तुसी मेरा मजाक उड़ाते हो तो मैं तुम दसा दौड़ने तरबूज भी कहते, दौड़ने से दौड़ा दादर कहते हैं, साढ़े से दौड़ा चलता है, थोड़े तक ही कहते असली दसी दुआने को जेड़ा दौड़ने कहते दुआने भरी दे हैं। आ गल ठीक है, हुण देखो सेम गल आ गई है कोई ते लफ्ज ऐसे होंगे ना कि मैं जेड़ा ना और कोई लफ्ज ऐसे एक होंगे ना आखते तो मैं जेड़ा ना मैं आखती कोई लफ्ज आख दे मतलब साड़ी कोई जो जेड़ी जबान है साड़ी असल जटे से असल जटा सी। वाह वाह सदके जावां हाँ तुहाडे, जी जिसको मर्जी जाके पूछ लो तुसी वाह बे वाह दनी होगी। असीं माशाल्लाह साडा जिहड़ा जिले दे विचों असीं आए ना हिंदुस्तान चों, तो उस तो बाद फैसलाबाद साडी बोली पंजाबी च मन्नी तनी जांदी है। सो तुसीं पंजाबी इंडियन पंजाबी मैंने पता फिल्मां देखियां तुसी तुहानूं किथे पता रहे हो लगे, या किथे दे नहीं इंडियन लेकिन पंजाबी मैं जो तुसीं बोल इंडियन मैं पंजाबी अपने फिल्मां मेरे देखियो। अम्मी अबू जी ने व्याख्या
ਹਾਲਤ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਾਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਇਜ਼ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਕਮਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪਿਕ ਛੋੜਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਮੱਥੇ ਸੌਰੀ ਬੜੀ ਟੰਗ ਖਿੱਚ ਲਈ ਟੰਗ ਖਿੱਚ ਲਈ ਮੈਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਉਹ ਕਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡੋਕਟੋਕ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪੁੱਠੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਾਈ ਫਿਆਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਕਮਲ ਦੋ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੰਬੇ ਨਾਮੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥ 20,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਮਲ ਫੈਮਲੀ 30,000 'ਤੇ ਸਭੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਸੋ ਕਵਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੈਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਦੂਸਰਾ ਵਾਈਟ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਲਕਾ ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਆ ਪਿੰਕ ਆਖ ਲਓ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸੋ ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਚੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਗੁਆਲ ਵਜਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੱਚੀ ਕਰੇ ਨਾਲੇ ਕੱਚੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੇਖਣ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਈ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੇ ਖੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੇ ਖੱਖੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਹਾਗੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੇ ਖੱਖੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੇ ਖੱਖੜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਬਹਿਣ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਹੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ ਦਵਾਵਾਂ ਯਾਦ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ